जब हम साहित्य के साथ मीडिया की बात करते हैं या खासतौर से नए मीडिया की बात करते हैं, तो क्या हम ऐसे दौर में प्रविष्ट कर रहे हैं जहां मीडिया ने जबरन अपने आप को साहित्य का पर्याय घोषित कर दिया है और इरादतन मीडिया यह प्रयास कर रहा है कि अब अगर आप साहित्य की बात करते हैं तो हमारे बारे में ही हमारी ही बात आपको करनी होगी। और जब इस मीडिया के साथ नया मीडिया जैसा शब्द जुड़ जाता है तो एक उच्छृंखल और नियंत्रणहीन ऐसी अभिव्यक्तियों का दौर हमारे सामने शुरू होता है, जिसका जिक्र प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने भी किया, क्योंकि उनसे आप उन शब्दों में नहीं लड़ सकते जिन शब्दों में लड़ने में वो सिद्धहस्त हैं और जिसमें कि उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो नया मीडिया जब अवसर देता है तो नया मीडिया क्या हमें उच्छृंखलता का अवसर देता है? क्या हमें जो हमारी पारिभाषिक रूप से शास्त्रीय रूप से जब साहित्य की बात आती है तो क्या साहित्य को उस तरह से वहन करने, उस तरह से आगे ले जाने का अवसर देता है? आपने उन सब बातों की तरफ इशारा किया है और जब आदरणीय प्रोफेसर अग्रवाल उस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर ये नाम अभिव्यक्तियां ना होती, शब्द ना होते, तो हम कैसे दौर में जी रहे होते। सर, मुझे मार्केज का उपन्यास अनंत के 100 बरस याद आ रहा था कि वो सांस्कृतिक दृश्य जहाँ एक पूरी परंपरा नाम भूल जाती है, पहचान गायब हो जाती है, वो दौर कितना भयानक होता है। उस दौर का स्मरण करके ही रोंगटे खड़े होते हैं। उन्होंने बहुत सारे सूत्रों में, संकेतों में जो बात कही है, वो बात बहुत दूर तक ले जाने वाली है और कहीं ना कहीं एक अवसर देती है कि हम, चाहे हम साहित्य के पाठक हैं, चाहे हम समालोचक हैं और चाहे हम विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं और चाहे हम लिखने वाले हैं, उस चीज़ को महसूस करें और उस धरातल पर खड़े होने का प्रयास करें। सर, आपकी क्लास में खड़े होना, आपके सामने खड़े होना हमेशा ही नए लोगों के लिए, युवा लोगों के लिए एक अवसर की तरह रहता है। मैंने क्लास नहीं ली है और मेरे जैसे लोगों की क्लास ली गई है, जो वरिष्ठ लोग हैं तो वो क्लास नहीं। और जहाँ तक वो आधा घंटा वाली बात थी तो शायद मेरे दिमाग में ये था कि जब हमारे प्रोफेसर बोलते थे कहीं तो हम कहते थे कि सर आज आधा घंटा ही बोलिएगा, क्योंकि प्रोफेसर को अभ्यास होता है कम से कम एक घंटा अपनी बात कहने का। सर, हमारे बीच में इस कार्यक्रम में शहर के ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी या जिंदगी का बड़ा हिस्सा पढ़ते पढ़ाते या लिखते लिखाते बिताया है। उनमें मैं बहुत ही आदर के साथ गुरदीप खुराना जी का नाम लूँगा। जितेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जितेंद्र ठाकुर जी आए हैं और जितेंद्र ठाकुर जी की और सुभाष पंत जी की खूबी यह है कि वो आते हैं और किसी पिछली पंक्ति में किसी कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं, ये उनका बड़प्पन है। मदन शर्मा जी हमारे बीच हैं, भूपेन भाई हल्द्वानी से आए हैं, योगेश भट्ट जी हैं जो इस शहर के और इस राज्य आंदोलन के और लिखने पढ़ने वाले पत्रकारों में एक उल्लेखनीय नाम है, आशीष मिश्र दिल्ली से सुबह सुबह ही आए हैं, महावीर रवाल्टा जी हैं, उदय किरोला जी का हमने जनगीत शुरू में ही सुना, और हमारी आदरणीय श्रद्धेया वीणा पानी जोशी जी आई हैं, भले उनका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं है तो भी वो यहाँ आई हैं, सावित्री काला जी, भारती पांडे जी लगातार इस आयोजन के साथ जुड़ी रही हैं, और बिना किसी प्रोफेसर पटरोई जी के वक्तव्य के बीच में और आपके बीच में और लंबा वक्त न लेते हुए बस दो छोटी बातों का निवेदन करूंगा, वो भी जिज्ञासा ही है कि आदरणीय पटरोई जी, एक पूरा ऐसा हिंदी में एक पूरा दौर है जहां जब मीडिया की बात करते हैं तो जिस प्रिंट पत्रकारिता की बात करते हैं तो चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी जी हों, चाहे सप्रे जी हों, और भी नाम इस सूची में शामिल किए जा सकते हैं, कि जहां रचनात्मक साहित्य और पत्रकारिता एक साथ दोनों चलते रहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों एक ऐसे दौर में हम खड़े हैं जहां मीडिया सक्षम आधार भूमि के बिना साहित्य का सर्टिफिकेशन कर रहा है और साहित्य को मेडल दे रहा है, तो क्या हम इसको अपने दौर की नियति मान के स्वीकार कर लें या जो साहित्य के सर्टिफिकेशन का जो दौर है इसके खिलाफ खड़े हों? और क्या जो प्लेटफॉर्म मीडिया दे रहा है, खासतौर से नया मीडिया दे रहा है, हम उसको एक बहुत ही कम समय का नकली प्लेटफॉर्म माने या एक ये स्थायी प्रवृत्ति के तौर पे हमें स्वीकार करना होगा?